बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और ब्रांड न्यू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मज़ेदार रेसिपी के लिए बिना स्किप किए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज हमारे किचन में बन रही है तंदूरी काफी। तंदूरी चाय तो आपने पी होगी, तंदूरी काफी पहले आपने कभी नहीं पी होगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए तंदूरी काफी को रेडी करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में 2 टेबल स्पून चीनी ले लेंगे। और 2 टेबल स्पून ही इसमें नेस्ले की कॉफ़ी डाल देंगे। अब इस मिक्सचर को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, एक पाउडर की शक्ल में बना लेंगे इस तरह से। अब सबसे अहम और आसान तरीन तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने का। बिना बिटर के, बिना स्पून के कॉफ़ी बनाएंगे हम। इसके लिए करना क्या है कि इस तरह का एक एयर टाइट कंटेनर ले लेंगे, इसमें ये कॉफ़ी वाला मिक्सचर डाल देंगे सारा। अब इसमें 2 टेबल स्पून नीम गर्म पानी डाल देंगे। कंटेनर को अच्छे से बंद कर देंगे और बस अब इसको 1 मिनट के लिए इस तरह हिलाएंगे। है ना कितना आसान। ये देखें कॉफी रेडी भी हो चुकी है, बस इतना सा काम करना है और काफी तैयार। अब इसको साइड पर रख देंगे और चूल्हे पर दूध बॉईल कर लेंगे। दूध बॉईल हो चुका है, अब इसको दूसरे चूल्हे पर लो फ्लेम पर रख देंगे क्योंकि हमें बॉईल किया हुआ गरम गरम दूध चाहिए। अब इस तरह मिट्टी के कप ले लेंगे, कप को आग पर इस तरह से 1 मिनट के लिए सेंक लेंगे। इतना गर्म करना है कि धुआं निकलने लगे इस तरह से। अब इसमें जो कॉफ़ी रखी थी 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे। और गर्मा गर्म दूध डाल देंगे ऊपर से। ऊपर से मज़ीद कॉफ़ी डाल देंगे और चम्मच हिला लेंगे। ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म तंदूरी कॉफ़ी बिना किसी झंझट के, बिना मेहनत किए बिल्कुल रेडी है। ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म तंदूरी कॉफ़ी का मज़ा लें, इंजॉय करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।